कि नेचुरोपैथी से एक आम इंसान कैसे जुड़ा रह सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं? तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त ही उपचार की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम स्वयं का उपचार कर सकते हैं, अपने घर के लोगों का उपचार कर सकते हैं। मिट्टी, पानी, धूप और हम इन सब का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं तो हम बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो भी हमें पंच महाभूत मिले, पंच तत्व मिले, उसके माध्यम से हम अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो स्पेशली डायबिटीज है, कैंसर है या और कोई बीमारियां हैं जिसे हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश के। डॉक्टर A.K. जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर जैन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आप अध्यक्ष हैं नेचुरोपैथी के, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष होने के बावजूद आप एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर के भी माहिर हैं, तो आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी के ऊपर ही। ये बताइए कि नेचुरोपैथी से एक आम इंसान कैसे जुड़ा रह सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले मैं अपने D5 के सभी दर्शकों को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की शुभकामना देता हूँ। और जहाँ की जैसा की वंदना जी आपने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और उसके क्या फायदे हैं, और जो हम प्रकृति पे अत्याचार कर रहे थे, प्रकृति का नुकसान कर रहे थे, उसकी वजह से जो दुष्प्रभाव होते थे, शायद पॉल्यूशन के रूप में कह लीजिए या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हमने अफेक्ट किया, लेकिन नेचुरोपैथी एक ऐसा विज्ञान है जिस जो हमें नेचर के साथ में रहना सिखाता है, प्रकृति के साथ में रहना। और जब हम प्रकृति के साथ रहने लगते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ और निरोगी महसूस करते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त ही उपचार की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम स्वयं का उपचार कर सकते हैं, अपने घर के लोगों का उपचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चिकित्सा एक वर्ड अलग है। पहला ये है प्रकृति, प्रकृति। और जब प्रकृति से हमें मिला है, हमें प्रकृति से मिला है, मिट्टी, पानी, धूप और हम इन सब का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं तो हम बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हम इन सब संसाधनों को जिन्होंने प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप से दिया है, इनका उपयोग नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं। प्रेजेंटली आपने देखा होगा लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन प्रकृति ने आपको ऑक्सीजन सुबह सुबह फ्रेश एयर के रूप में लिए आप निरंतर ले सकते हैं। अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट नियमित हमें मिलता है, रेगुलरली मिलता है, लेकिन प्रेजेंट हमारी जो जीवन शैली है वो गलत है, उसकी वजह से लोग विटामिन डी, B12 या उन सबकी डेफिशिएंसी से ग्रसित होते हैं और उसके लिए नियमित लोग दवाइयों का सेवन करते हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो भी हमें पंच महाभूत मिले, पंच तत्व मिले, उसके माध्यम से हम अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रकृति की बात करें तो इसे कुछ लोग प्रकृति चिकित्सा कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, निसर्गोपचार चिकित्सा कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो है निसर्ग की ही एक बहुत अच्छी हमें देन है, हमें इसको समझना चाहिए और इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो है हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाना, वाइटलिटी को बढ़ाना। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के विजन को, कंसेप्ट को समझ लें तो ये हमारी जीवनी शक्ति को, वाइटलिटी को बढ़ाने का काम करती है। और ड्यूरिंग द कोविड लोग बीमार हुए हैं किसी न किसी वजह से, बीमारियों से, और वहां ऐसा नेचुरोपैथी कहती है कि उनका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक रहा है, रेजिस्टेंस वीक रखा है, तो प्राकृतिक चिकित्सा बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। नेचुरोपैथी से किन किन रोगों का इलाज किया जा सकता है? नेचुरोपैथी में कहते हैं कि सब रोग एक और उनकी दवा भी एक। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका कारण एक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि उनका जो कारण है वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। जब हमारे शरीर में विजाती द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं, टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से बीमारी होती है। तो सामान्य रूप से अगर हम कहें तो ऐसा मान लीजिए कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम सभी रोगों का उपचार कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जो डेली रोजमर्रा जो हमारी बीमारियां होती है हम उनका भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। क्या असाध्य रोग भी इससे ठीक होते हैं? जितने भी असाध्य रोग हैं, एक्यूट डिसीज है या क्रॉनिक डिसीज है, दोनों ही प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होती है। जो एक्यूट डिसीज होते हैं जस्ट लाइक सर्दी, जुकाम, बुखार, इनको हम प्राकृतिक चिकित्सा से जल्दी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम असाध्य रोग कहते हैं, जो स्पेशली डायबिटीज है, कैंसर है
या और कोई बीमारियां हैं जिसे हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होती है, लेकिन उसे ठीक होने में समय लगता है। एक आम इंसान इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकता है? प्राकृतिक चिकित्सा वस्तु तो ऐसा माने कि कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जो है एक जीवन जीने की अपनी शैली है। अगर हम अपनी जीवन जीने की शैली को बदल दें, हमारी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, तो हर व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा को अपना सकता है अपने जीवन में। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सुबह जल्दी उठना होगा, समय से सोना होगा, फ्रेश एयर लेनी होगी, हमारे आहार विहार का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा आहार जो है वो शुद्ध हो, सात्विक हो, रॉ फूड हो, केमिकल लेस हो। जितना हम ऑर्गेनिक फूड्स का सेवन करेंगे, समय से भोजन करेंगे, समय से नींद लेंगे, तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के छोटे छोटे अगर हम इन सिस्टम को कंसेप्ट को समझ लें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो मुख्य ध्येय है वो आहार विहार और दिनचर्या को ठीक करना ही प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है। क्या योग अभ्यास, प्राणायाम वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा की हम बात करते हैं तो जितनी भी प्रकृति जो कि प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप से दिए, दे आर ऑल कॉल्ड अंडर नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल थेरेपीज। तो प्राकृतिक चिकित्सा में योगा, मिट्टी, पट्टी, धूप, स्टीम, मसाज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये जितनी भी चिकित्सा पद्धति है ये सब प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक भाग है, बिकॉज दिस इज ऑल नेचुरल मेडिसिन। इनसे किस तरीके से इंसान अपना इलाज कर सकता है, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है? छोटे छोटे रोग से लेकर हम बड़ी बीमारियां जिसे हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं उनमें प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छे से लाभप्रद है। उसके लिए हमें अपने जीवन शैली को ठीक करना होगा, समय से सुबह जल्दी उठें, सुबह उठने के बाद रेगुलरली लुकवॉर्म वाटर लें, 1 से 2 ग्लास 3 ग्लास जितना हमारी कैपेसिटी उतना। उसके बाद नियमित जल नेति का सेवन करें। जल नेति अगर हम नियमित करते हैं ये सर्दी जुकाम से हमें बचाएगी। अगर कहीं कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो नेति जो है जल नेति नाक की सफाई करने का काम करती है, तो नियमित जल नेति करें। कुंजल क्रिया करें, कुछ कुनकुने पानी को लेकर सॉल्ट वाटर बना लें, उसको थोड़ा सा गॉर्गल्स कर लें, वो कुंजल के रूप में बाहर निकाल दें माउथ से, तो वो हमारे शरीर में जो कफ के रूप में विजातीय द्रव्य उनको बाहर निकालने का काम करेगा। लेकिन जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उन्हें सॉल्ट यूज नहीं करना है, वो बिना सॉल्ट के भी इसे यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज नियमित सुबह उठें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जल नीति करें, कुंजल क्रिया करें। उसके बाद नियमित ठंडे पानी का नैपकिन पेट के ऊपर रखें, ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करेगा, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करेगा। या एक मिट्टी पट्टी के माध्यम से भी हम पेट पर उपचार कर सकते हैं, और मिट्टी जो है वो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज को, कुछ मेथड्स को हमें यूज करना चाहिए। दूसरा पार्ट है अपने आहार विहार को ठीक करें। अब हमने पहले विहार की बात की तो उसमें हमने बात की थी कि सुबह जल्दी उठें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, एक्सरसाइज करें। अब हम बात कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए आहार की। हम कहते हैं कि आहार ही औषधि, और ऐसा आहार लें जो सीजनल हो और रीजनल हो। जिस सीजन में आप हैं उस सीजन के ही फ्रूट्स को सेवन करें, अदर फ्रूट्स को मत करिए। जैसे अभी ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में अगर ठंडी चीजें खाएंगे तो नुकसान करेगी। ठंड के मौसम में गर्म चीजें खाइए, और गर्मी के मौसम में ठंडी चीजें खाइए, तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करेगी। दूसरा, जो हमारा डाइट हो, जहां तक हो सके अपने भोजन में रेगुलरली ऐसे डाइट्स का सेवन करें जिसे हम कहते हैं कि कंप्लीट न्यूट्रिशंस हो। तो वहां पर रॉ फूड्स को ज्यादा से ज्यादा लें, कच्चे आहार को ज्यादा से ज्यादा लें, फ्रूट्स को लें, ये हमें हेल्प करेगा। खाने में मिर्च, मसाला, स्पाइसी, नमक, ऑयली चीजों को रिड्यूस करें, क्योंकि ऑयल खाने से, मिर्च मसाला खाने से कोलेस्ट्रॉल या अन्य तरह के डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो चिकित्सा न होकर जीवन जीने की शैली है, इसी भोजन को दिन में भी लें, रात के समय हो सके तो अपना भोजन जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें, सूर्यास्त के बाद भोजन लें, और भोजन में नाइट मील्स के रूप में दलिया या खिचड़ी का सेवन करें, वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर हमने लाइट फूड लिया तो वो हमें हेल्प करेगा। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपको भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।